हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर सारी चीजें पहले से बना रखी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल है, ऑर्डर टेबल है और यहाँ पे कस्टमर टेबल है। ये तीनों टेबल मैंने पहले से बना रखे हैं। अब हमको क्या करना है, सिंपली क्रिएट पे जाना है। अच्छा, एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ऑर्डर टेबल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर आईडी है। ठीक है, आपको ऑर्डर आईडी में कुछ चेंजिंग करनी है तो आप इस वाले टेबल से आकर कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय टेबल में कुछ चेंजिंग करनी है तो इस वाले टेबल से चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपको कस्टमर टेबल में कुछ चेंज करना होगा तो कस्टमर वाले से आके करेंगे। अभी सपेस किया तो ये कस्टमर के नाम से भी एक टेबल बन करके तैयार हो जाएगा। ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं यहां से। तो ये हो गया कस्टमर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करानी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो टेबल्स को यहाँ से क्लोज कर देना है, तो ये टेबल हमने क्लोज कर दिया। अब क्वेरीज ओपन है सिर्फ। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हम क्वेरी विजार्ड में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय वाला टेबल आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा टेबल हमें लेना है, क्वेरी अगर लेनी है तो क्वेरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कस्टमर वाली क्वेरी ले लेते हैं। तो ये कस्टमर वाली क्वेरी हो जाएगी हमारी, ये ले लिया हमने। इसकी सारी डिटेल अगर हमें चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, इसके बाद और भी कोई टेबल हमें यहाँ से चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए तमाम क्वेरीज बनी हुई हैं। अगर आपको ऑर्डर वाला चाहिए तो इसमें आप ऑर्डर आईडी पहले से दी हुई है, हम इसमें टोटल कर सकते हैं ऑर्डर का। ठीक है, तो ये ऑर्डर का टोटल हमने ले लिया है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। इसको एक बार फिर से यहाँ से क्वेरी विजार्ड पे गए, ओके किया। अब ये एम्प्लॉय का है। ठीक है, और अब क्या करना है, हमें फॉर्म बनाना है। तो यहाँ से फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म एक क्रिएट होकर हमारे सामने आ जाएगा। और इसमें हम चाहे तो बटन्स वगैरह लगा सकते हैं, इसको सेटिंग कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे आइए देखते हैं। इसको यहाँ से कर्सर को रखिए और नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो ये कस्टमर क्वेरी जो है इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बटन्स क्रिएट करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे बड़ा सा एक बटन मैं क्रिएट करता हूँ, ये आ गया प्रीवियस, और इसका बटन बना सकते हैं। तो पहले मैं प्रीवियस का ही बटन क्रिएट करता हूँ यहाँ से। तो ये यहाँ से देख सकते हैं ये सारे, तो गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट रखेंगे और तो ये हो जाएगा गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन। यहां से इसको चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और यहां से फिर बटन पर जाएंगे और ये देख सकते हैं आप, तो ये ऐड रिकॉर्ड का बटन हमने क्रिएट करा ही लिया है, नेक्स्ट रिकॉर्ड का क्रिएट कराया है। अब प्रीवियस रिकॉर्ड का क्रिएट करा लेते हैं। तो यहां से ये प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन हम बना लेंगे। तो ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन बन करके तैयार है। यहां से चेंज कर लेंगे इसको, फॉन्ट को। ठीक है, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगला बटन बनाएंगे हम यहां से। और इस बार ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन हम पहले ही बना चुके हैं, डिलीट रिकॉर्ड का बटन बना सकते हैं यहाँ से। ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन बना लिया। इसी तरह से करके आप जितने चाहे उतने बटन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे करना है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से फॉन्ट हमने चेंज कर लिया, तो ये डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन बन करके तैयार हो गया। इस तरह से करके हमें बटन्स वगैरह बनाने हैं इसमें। ठीक है, अब चलिए व्यू पे क्लिक कर लेते हैं डायरेक्टली।
अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है शो नहीं हो रहा है, जो हमने दिए थे सारी चीजें वो सब शो नहीं हो रही है। तो यहाँ डिजाइन व्यू में जा करके आपको पहले सेटिंग करनी होगी। सेटिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाना होगा, ये जो बना हुआ है ना, ठीक है। तो ये हम ऊपर लेके आ गए। एक काम और करते हैं हम, यहां से एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें सर्च करने में काफी आसानी हो। हम कस्टमर आईडी से ही सब कुछ सर्च कर पाए, इसलिए ये बटन मैं क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। इसमें सिर्फ कस्टमर आईडी ले रहा हूं और इसके बेस पे हम ऑर्डर आईडी चूज करेंगे, ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी, ठीक है। या फिर इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी ही रखता हूं, ठीक है। और इसको थोड़ा ठीक है, तो ये एक सर्च का भी बटन हमने क्रिएट किया। अब देख सकते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड जो है शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे शो करेंगे उसको देख लेते हैं। पूरा अभी ठीक तरीके से नहीं शो हो रहा है। ये जो प्रीवियस का बटन बनाया हमने, इसको उठा करके हम यहां डाल देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करूंगा, अभी फॉर्म व्यू में आ जाता हूं पहले। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड के बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो 302 नंबर वाला जो जो भी कस्टमर है उसका डिटेल आता है, ठीक है। एम्प्लॉई आईडी देख सकते हैं ये, ठीक है। यानी 302 नंबर, 303 नंबर वाले कस्टमर को कौन एम्प्लॉय हैंडल कर रहा है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 203 है, ठीक है। और 103 नंबर की इसकी ऑर्डर आईडी है, फोन नंबर यहां लिखा हुआ है। अब यहां से कस्टमर आईडी के हिसाब से आप डील कर सकते हैं, कस्टमर आईडी के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे 303 नंबर वाला कस्टमर आईडी, जैसे ही हमने सर्च किया तो यहां 303 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इस तरह से करके हम इसको सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।